हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और जैसे कि अपनी जो सीरीज चल रही है वो RSCIT के ऑनलाइन जो प्रैक्टिकल होते हैं 30 नंबर के, उनके चैप्टर वाइज अपन क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज जो अपन करने जा रहे हैं वो है असेसमेंट 13, या फिर कहें कि चैप्टर नंबर 13 जो प्रैक्टिकली पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, तो उसके क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है पावर पॉइंट में, पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। मतलब अगर पावर पॉइंट में पहले से कोई इमेज है और उसको अगर अपन एडिट करना चाहते हैं तो क्या होता है, वो पूछ रहा है। फाइल, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट है वो चेंज नहीं होती है, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी वो चेंज हो जाती है, या जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल चेंज हो जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि जो पहले से इमेज इंसर्ट है तो वो क्या है, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी वो चेंज नहीं होती है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है आपका राइट होगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, यदि आपने गलती से कोई स्लाइड डिलीट कर दी है तो उसे बहाल करने के लिए क्या करना चाहिए। भाई आप स्लाइड बना रहे हो और गलती से डिलीट हो गई, अब आप चाहते हो कि आपने जो डिलीट कर दिया वो वापस से आपका आ जाना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। अंडू बटन दबाएं, या कंट्रोल जेड दबाएं, या कंट्रोल जेड बटन और अंडू दोनों दबाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों का मतलब एक ही है, अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होती है। तो जो भी अपना पीछे की अपन रिपीट स्टेप रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो अंडू करते हैं या कंट्रोल जेड करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा, दोनों काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोशन पाथ क्या होता है। मोशन पाथ क्या होता है, स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका है, एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट का एक प्रकार है, या एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि है, या दिए गए सभी। तो जो मोशन पाथ है वो क्या है, एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की एक विधि है। भी स्लाइड पे आपके जो आइटम है वो किस तरीके से मूव होंगे उसका एक इफेक्ट है। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। कई बार अपन गलती से इसको उपयुक्त सभी कर देते हैं तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के अप्लाइड इफेक्ट हैं। भी अपनी जो स्लाइड शो है उसमें अगर अपन जो भी अपना स्लाइड डिस्प्ले होगा वो कैसा इफेक्ट होगा, कस्टम ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन, कस्टम एनिमेशन, या फिर स्लाइड एनिमेशन। तो स्लाइड पे जो भी अगर अपन इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कितने नंबर का क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फाइल बंद करने का क्या तरीका है। मतलब फाइल जो अपने पावर पॉइंट की फाइल है या प्रेजेंटेशन है उसको बंद करने का क्या तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, फाइल टैब पर क्लिक करें और क्लोज करें, क्लोज पर क्लिक करें, पावर पॉइंट के शीर्ष पर दाहिने सबसे ऊपर छोर पर उपलब्ध क्लोज जो क्रॉस का चिन्ह आता है उस पर क्लिक करें, या शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्लू का उपयोग करें, या सभी। तो ये सारे तरीके एक तरीके से अपन कहें कि किसी भी फाइल को किसी भी विंडो को बंद करने का एक शॉर्ट वे है। तो तीनों ही तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो अपने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है या वो जो फाइल है उसको बंद कर सकते हो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, F5, यहाँ पे ये फाइव है ऐसे नहीं है, F5 की प्रेस करते हैं, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू ऑप्शन को चुनते हैं, स्लाइड शो ऑप्शन आएगा यहाँ पे, स्लाइड शो मेन्यू में व्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, शो पे क्लिक करते हैं, स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्स टाइम को चुनना, या फिर डी ऑप्शन है, F5 की प्रेस करना और स्लाइड शो मेन्यू से व्यू ऑप्शन का, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, चुनना। तो मतलब अपन किसी भी स्लाइड शो को अगर अपन चलाना चाहते हैं तो या तो शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं F5, या फिर स्लाइड शो ऑप्शन में जाके अपन व्यू पे जाके भी क्या कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड बदलने का अर्थ क्या है। मतलब अगर अपन प्रेजेंटेशन में कोई बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं इसका मतलब क्या है, कि बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड फिल इफेक्ट बदलना,
स्लाइड के पीछे पिक्चर या क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक पिक्चर या पिक्चर चित्र का बैकग्राउंड लगा सकते हैं या फिर सभी। तो अपन प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड बदलने का मतलब है अपन बैकग्राउंड में कलर स्टाइल या कोई पिक्चर आर्ट कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा, उपयुक्त सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस टैब में पिक्चर टेक्स्ट चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर टेक्स्ट ये कौन से मेन्यू से आप इंसर्ट कर सकते हो, एडिट से, फाइल से, व्यू से या इंसर्ट से। तो देखो इंसर्ट ऑप्शन जो आता है इंसर्ट से रिलेटेड अपन कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, पिक्चर टेक्स्ट आर्ट चार्ट वो सारे अपन इंसर्ट मेन्यू के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डी आंसर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड को एक जैसा प्रदर्शन देने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग करते हैं। तो क्या ऑप्शन यूज करते हैं, स्लाइड ऑप्शन ऐड करते हैं या आउटलाइन व्यू करते हैं या स्लाइड लेआउट व्यू करते हैं या प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट यूज करते हैं। तो देखो इसके लिए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट यूज करते हैं जिससे सभी स्लाइड का जो व्यू है एक जैसा आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका डी आएगा। नेक्स्ट है, एनिमेशन टैब में चार कंट्रोल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रीव्यू एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, टाइमिंग, कलर, फॉन्ट दोनों या फिर प्रीव्यू एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन या टाइमिंग या फिर कलर फॉन्ट स्टाइल डिजाइन। तो देखो जो एनिमेशन टैब है उसमें प्रीव्यू एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन एंड टाइमिंग जो ऑप्शन है वो आता है, ये चार ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होएगा बी। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक किसके उपयोग हेतु यूज किए जाते हैं। स्लाइड को सेव करने के लिए या फिर जानकारी डेटा सूचना को चित्र ग्राफिक्स एनिमेशन आकृतियों के द्वारा दर्शाने के लिए, न्यू स्लाइड बनाने के लिए या स्लाइड को डिलीट करने के लिए। मतलब जो स्मार्ट आर्ट होती है वो अपन क्यों लगाते हैं, तो वो भी आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है डेटा है उसको एक चित्र के रूप में एक डिजाइन के रूप में देने के लिए अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो आपका सही होगा, बी आंसर इसका राइट आंसर है। अगला आपको एक चित्र दिखा रखा है, ये किस चीज से रिलेटेड है, फ्रॉम बिगनिंग एंड फ्रॉम करंट स्लाइड, मतलब ये स्लाइड शो के जो ऑप्शन है उससे रिलेटेड है। तो क्या है, चार्ट शो है, स्लाइड शो है, पिक्चर शो है, टेक्स्ट शो है। तो अपन को पता है अगर अपन स्लाइड को शो करना चाहते हैं स्टार्टिंग से या करंट से तो अपन स्लाइड शो ऑप्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा बी राइट आंसर होगा इसका। अगला फिर से एक क्वेश्चन जो है इमेज बेस है कि दिखाए गए चित्र में कौन सा टैब इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे ये फाइल आ गया, ये आपका होम आ गया, ये इंसर्ट दूसरा मेन्यू है इंसर्ट, तो ये इंसर्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दे रखा है इंसर्ट मेन्यू, होम टैब, रिव्यू टैब या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ए इंसर्ट टैब। भाई जिनमें इजिली दिख जाता है उसमें पता चल जाता है कौन सा टैब यूज हो रहा है। और लास्ट आपका पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, पावर पॉइंट फाइल को सेव करने के लिए फाइल नाम के साथ फाइल टाइप होता है, मतलब एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है, थोड़ा सीधा नहीं पूछ के आपको घुमा के पूछ लिया है। तो क्या होता है जो पावर पॉइंट है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, XLS DOC या .PPTX या इनमें से कोई नहीं। तो जो .PPTX है वो आपकी जो फाइल होती है पावर पॉइंट की या फिर कहें कि प्रेजेंटेशन होती है उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .PPTX होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका सी। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे पावर पॉइंट से रिलेटेड जिनको आप देख के इजीली अपना जो प्रैक्टिकली है 2 नंबर का जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा पावर पॉइंट का। और सभी 10 क्वेश्चन आप इजीली क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी आपकी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हो। धन्यवाद।